हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एनआईएस के रिजल्ट के बारे में। हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे, एनआईएस का रिजल्ट कब आएगा, और आज वो दिन आ ही चुका है। आज 5 अगस्त शाम को 5 बजे एनआईएस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया ऑफिशियली। आज जो हम चेक करने वाले हैं 10th और 12th दोनों का रिजल्ट आ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, खुद आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो, या आप लैपटॉप से भी चेक कर सकते हो और आप अपने मोबाइल से घर बैठकर खुद अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट चेक करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें अपना रिजल्ट व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे, हम आपका रिजल्ट आपको सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। इसका कोई चार्ज नहीं होगा, हमारी टीम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट निकालना मैं आपको बताऊंगा ही कैसे आप निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं जिन्होंने रिजल्ट देख लिया है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर SYC लिखा रहा है, किसी का SYCP लिखा रहा है। तो देखो अगर आपका इस तरह से कुछ लिखा आता है तो आप हमें अपना रिजल्ट व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको बताएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर SYCP लिखा रहा है इसका मतलब है आप प्रैक्टिकल में फेल हो, और अगर SYCT लिखा रहा है, SYT लिखा रहा है, तो उसका मतलब है आप थ्योरी में फेल हो। तो जिसमें SYCT लिखा रहा है वो थ्योरी में फेल, और SYCP आप प्रैक्टिकल में फेल हो, और जहाँ पर आपका AB लिखा रहा है उसका मतलब है आप उस चीज़ में एबसेंट हो। अगर TMA में AB लिखा रहा है तो वहाँ पर एबसेंट हो। तो इस तरह के अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। और जो भी दोस्त हैं NIS वाले उनको रिजल्ट निकालने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो उनके पास ज़रूर शेयर करें। मैं आपको एक एक लाइन बताऊँगा कैसे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं कैसे आप रिजल्ट निकालोगे। हाँ तो दोस्तों इसके बाद हम अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउज़र अपना ओपन करेंगे। आपका ब्राउज़र कोई सा भी हो सकता है। तो वहाँ जैसे ही गूगल आप खोलोगे वहाँ पर आपको लिखना है गूगल पर SDMISNIOS। जैसे ही आप ये लिखोगे तो ये आपका पेज खुल करके आएगा। इसमें जो आपका पहला पेज है ये जहाँ पर ये होम पेज लिख रहा है, आपका जो होम पेज है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एग्ज़ाम और रिजल्ट में जाना है। यहाँ से आप रिजल्ट के अंदर जाओगे और जो चेक रिजल्ट March-April 2020 है यहाँ पर क्लिक करोगे। सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसको चेक कर रहे हैं अभी इस टाइम। तो दोस्तों इस तरह का फिर पेज ये खुल करके आएगा आपके सामने। यहाँ से आप चेक रिजल्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप चेक रिजल्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। अभी जो प्रोसेसिंग हो रही है खुल रहा है। तो इस तरह का दोस्तों पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ पर ये कैप्चा डालना है। जैसे ही आप अपना इनरोलमेंट नंबर और कैप्चा यहाँ पर आप सबमिट करोगे तो आपका जो रिजल्ट खुल करके आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर इस बच्चे का रिजल्ट आ चुका है। इंग्लिश वगैरह में इनके काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की इस तरह की परसेंटेज आई होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।